हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर 250% रिटर्न। सीधे 250% के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई अपना टाइम दे देगा ना, 2-3-4 साल का, तो ऑब्वियसली बात है ये रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बट हम यहाँ पर इस स्टॉक की वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी, बट यहाँ पर देख लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक्स की। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर बड़ा फेमस यहाँ पर दिखाई देता है और डेली 6% 10% भागता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों फेमस हो रहा है? ओके, क्या उसके पीछे की वजह है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। क्या आपको लेना है या नहीं लेना है, चार्ट पैटर्न क्या कहते हैं, उससे हिसाब से हम देखेंगे। और इस शेयर पे नजर रखिएगा क्योंकि बेहतरीन शेयर नजर आता है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर आपका चैनल है, सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जितना हो सके सपोर्ट करिए, प्यार करिए, लाइक करिए इस चैनल को। और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी बेहतरीन वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, कैंडल देखे और पता लगाए कि शेयर से एग्जिट करना है या नहीं। यहाँ पर वीडियो बनाई गई है, थोड़ी सी 11 मिनट की वीडियो है, 11 मिनट दे दीजिए, इजीली किसी भी स्टॉक से यहाँ पर निकल पाएंगे। और भी बेहतरीन शेयर यहाँ पर बताए जाते हैं, जाके देख लीजिए। और ये पर्टिकुलर नंबर्स हैं, इन पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट करके हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और बाकी कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर आपको कोई पोजिशन लेनी है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृति न्यूट्रिएंट्स। तो कृति न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाने जा रहे हैं आज। और ये कंपनी करती क्या है, क्यों फेमस है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है और 47 रुपए से 61 रुपए पर पहुंच गया है। यहाँ पर आज 6%, कल की बात करें तो कल लगभग 10% और भी ज्यादा भागा था, बट 10% पे रुक गया। इससे पहले भी 10% लगभग यहाँ पर 25 से 30% शेयर भाग चुका है। क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। और यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहे हैं ना, बेहतरीन वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, तो कोई भी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं कृति से रिलेटेड। तो कृति न्यूट्रिशंस की अगर हम देखें तो कंपनी करती क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आजकल दुनिया में केवल तेल तेल तेल, ऑयल 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 से रिलेटेड बातें हो रही है, तो ये कंपनी भी ऑयल से रिलेटेड बात कर रही है। बट यहाँ पर ऑयल, क्रूड ऑयल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एडिबल ऑयल की बात हो रही है, सोयाबीन ऑयल की। पार्ट ऑफ द कृति ग्रुप ऑफ कंपनीज, द कंपनी इज इंगेज द सोयाबीन प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग ब्लेंडेड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एंड मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज इन द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस इन द फूड एंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, ये सोयाबीन को ब्लेंडेड करके उसको प्रोसेस करके सोयाबीन ऑयल बनाती है, एज वेल एज कुछ ऐसे प्रोटीन प्रोडक्ट बनाती है जो कि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स या फिर कह सकते हैं जिम वगैरह में जो काम आते हैं, ओके, जो प्रोटीन होते हैं उसमें काम रखते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की रेंज अगर देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देने रखा है, कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोया लैक्टिन से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सोया प्रोटीन ये बनाते हुए नजर आते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए इनकी वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर जाइए, इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वेबसाइट पे सब कुछ इनकी दिया होगा। कीर्ति न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कीर्ति न्यूट्रिएंट्स, तो ये शेयर काफी यहाँ पर फेमस हो रहा है, तो सोचा कि आज इससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इस शेयर से रिलेटेड सब कुछ यहाँ नजर आएगा, प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर नजर आएगी, रिफाइंड ऑयल से रिलेटेड देखें यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, रिफाइंड ऑयल्स। तो यहाँ पर और भी इनके प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड ऑयल फॉर नाउ, अमेजोन वगैरह पे भी इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। रिफाइंड ऑयल एंड सोया प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इंडिया, यहाँ पर देखिए 27 साल इस कंपनी को लगभग हो चुके हैं। 3 प्रोडक्ट्स टाइप ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, यहाँ पर इनके रेंज है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो 35 एकर प्लांट्स भी है, 900+ TPD है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर इनसे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोया लैक्टेंट से रिलेटेड, टेक्सचराइज सोया प्रोटीन, कृति सुपर हाइप्रो सोया ग्रेड, सोया फ्लैक्स, सोया फ्लोर, फुल फैट सोया एसिड ऑयल एंड फैटी एसिड। यहाँ पर अगर बात करें सोया से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मोस्टली ये बनाते हुए नजर आते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल भी बनाते हैं और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री, फूड में, फार्मास्यूटिकल्स और फीड, ये जो यहाँ पर अगर बात करें जो ये जो चिकन्स होते हैं उन्हें यहाँ पर देने, जो उनके
फूड होता है उसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी यहाँ पर अच्छी नजर आती है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स पर जाने से पहले कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 308 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। मतलब क्या है? मतलब है माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप का मतलब है सिंपल सी बात है रिस्क। तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा और यहाँ पर रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो रिटर्न्स यहाँ पर 3-3 दिन में यहाँ पर अगर 26% के रिटर्न मिल रहे हैं तो एक एक दिन में ही ये 26% के रिटर्न सारे इरॉड भी हो सकते हैं। तो इसलिए ही इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ये माइक्रो कैप कंपनी है, इतना ही पैसा लगाना है कि जितने पैसे अगर कल की डेट में आपके कम भी हो जाए तो आपको फिक्र ना हो। बट कंपनी अगर सिलेक्शन अच्छा होता है तो यही कंपनी याद रखिए पीछे 3000 करोड़ की बनेगी और 30000 करोड़ की बनेगी। और यहाँ पर ये जो शेयर 61 रुपए का है वो शायद 6000 का भी पहुंच जाए। तो सिंपली डिपेंड करता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल समझ लिया, एडिबल ऑयल में पी की बात करें 30 का पी है, इंडस्ट्री का पी 26 है, तो थोड़ा सा यहाँ पर महंगा है। और आरओई की बात करें 2115 की है, तो अच्छा खासा आरओई है। और डेट फ्री कंपनी है, मेन बात है डेट फ्री कंपनी। और यहाँ पर देखिए लगभग 41 का इंट्रेंसिक वैल्यू है, 20 का यहाँ पर बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से 3 गुना ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पर 2010 से यहाँ पर दिख रही है, एक लंबा कंसोलिडेशन फिर भागी फिर गिरावट। तो इसी तरीके से माइक्रो कैप का मतलब क्या है कि लंबा कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद शेयर भागेगा तो यहाँ पर दोबारा गिर भी सकता है, और गिरने के बाद फिर कंसोलिडेशन फिर गिर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा सतर्क रहना है और इसमें टाइम भी देना पड़ सकता है। सेल्स की बात करें तो कंपनी की यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर बढ़ रही थी, यहाँ पर फिर कुछ पैंडमिक आया था हुआ दिखाई दिया, बट उसके बाद से दोबारा यहाँ पर शेयर यहाँ पर इनकी सेल्स बढ़ी और इस बार की सेल्स 238 करोड़ की है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें कंपनी की सेल्स अच्छी खासी सेल्स होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो देखिए 3.08% है जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे ज्यादा है। यही चीज देखनी होती है और इसके बेस पे ही यहाँ पर शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ का प्रॉफिट इस बार आया है जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है। तो कंपनी हाईएस्ट एवर यहाँ पर, हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा, हाईएस्ट एवर और भी दो बार थे, बट कंपनी काफी टाइम बाद यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है। ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पर यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए पहले कंपनी लगभग 450 करोड़ के आसपास की सेल कर रही थी, 2014 में थोड़ी कम हुई, फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हाईएस्ट एवर अभी 12 महीने में 754 करोड़ की सेल्स। नेट प्रॉफिट की बात करें वो लगभग 19 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ के आसपास अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी आ रहा है कंपनी के पास। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 10 करोड़ से लगभग 100 करोड़ हो गया है। बोरिंग की बात करें तो यहाँ पर बोरिंग इनकी कम होती हुई नजर आ रही है, 3 करोड़ की बोरिंग रह गई है, ज्यादा बोरिंग भी नहीं है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट कैपिटल में वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च कर रखी है। कैश की बात करें, कंपनी के पास 7.5 करोड़ का यहाँ पर कैश भी है और जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। वो केवल 2017 में एक बार नेगेटिव था और 2011 में इसके अलावा कभी नेगेटिव नहीं रहा। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए एज इट इज बनी हुई है 66.36% की, जो कि इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई थी, तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर्स की। FIDI आपको पता ही है, वो हमेशा मिड कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या फिर 10,000 करोड़ से जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है किसी किसी में कर लेते हैं, अदरवाइज बड़ी कंपनी में ही करते हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर 33% की हिस्सेदारी है, 33 में भी यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 6.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर अलग नजर आती है। तो लगभग 27% की हिस्सेदारी, 27.something% की हिस्सेदारी नजर आती है किसके पास, पब्लिक के पास यहाँ पर नजर आती है। उसमें भी ऑपरेटर और बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल है, उसी की वजह से यहाँ पर देखेंगे तो शेयर प्राइस यहाँ पर भागता हुआ नजर आता है। अब चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी हाईएस्ट एवर नंबर पेश कर रही है, क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अच्छा खासा आ रहा है। बट इस लेवल पे भी अगर आप लेना चाहे तो कम शेयर को यहाँ पर सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पर अभी अभी फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वार्टर की नंबर और देखने चाहिए, ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ अगर डिसीजन लेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने की पूरी गुंजाइश होगी। आपको नंबर पता चल जाएंगे तब यहाँ पर एक बैट लगाना कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि कंपनी माइक्रो कैप जरूर है बट ऐसी माइक्रो कैप में वेल्थ भी बनती है, इस चीज को याद रखिए। और यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कप बनाया, कप बनाने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर हैंडल, और हैंडल बनाने का जब चीजें ऊपर निकलेगी तो याद रखिए एक बेहतरीन यहाँ पर इनका चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा और अच्छे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे, जो कि इस शेयर को लगभग मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे। लगभग यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सीधे आप देख सकते हैं
कितने परसेंट के रिटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अभी भी खरीदते हैं तो भी अगर हम देखें तो अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न्स इनके बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये शेयर चल रहा है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग 300% के आसपास के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम अच्छे खासे है, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर अभी ऑपरेटर एक्टिव है। याद रखिए ऑपरेटर ही ये स्टॉक्स को भगा रहे हैं, यहाँ पर इस चीज को आप देख सकते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पर अगर टाइम देंगे थोड़ी सी चीजें नीचे आ जाएगी, रियलिस्टिक हो जाएगी चीजें। अगर यहाँ पर मिलती है लगभग 4500 रुपए के आसपास जहाँ से ये भागना शुरू किया था, तब यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर बाइंग करने की सोच सकते हैं। और अभी की अगर हम यहाँ पर बात करें, चीजें ऊपर जा सकती है, ऐसा नहीं है कि अभी चीजें ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ पर जो RSI बता रही है वो सिंपल बता रही है कि चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर चीजें और थोड़ी ऊपर जा सकती है। बट ऊपर फंसने की जगह अगर नीचे हम वेट करके नीचे चीजें लेते हैं तो यहाँ पर हमारे विनिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस वगैरह लगाना पड़ेगा और वो सारे काम करने पड़ेंगे। अगर स्टॉप लॉस लगाने को तैयार हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप फिर प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शेयर को आपको क्या कब खरीदना चाहिए, सबसे पहले रिजल्ट देख लेना चाहिए दोबारा इसको पर्टिकुलर क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद ये शेयर अगर 44 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा आपको लगा देना चाहिए। तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। चार्ट पैटर्न आपको समझा दिया, कंपनी के नंबर्स आपको समझा दिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको अच्छे तरीके से बता दिया और कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है क्योंकि ऐसी कंपनी पैसा बनाती हुई वेल्थ क्रिएट करती हुई नजर आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, इस वीडियो को लाइक, दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस है ये। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।